वेलकम बैक टू अन अकादमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चरल इनकम का रिमेनिंग पार्ट। आज हम फिर दोबारा से एग्रीकल्चरल इनकम को बहुत ही अच्छे वे में समझने वाले हैं, जो पार्ट हमारा रहता है। ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी इनकम हमारी एग्रीकल्चरल इनकम होगी और कौन सी इनकम हमारी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है। ओके, तो यहाँ पर हमारे छह पार्ट्स ऐसे रहेंगे जो कि एग्रीकल्चरल इनकम के हैं। इसके अंदर सबसे पहला है रेंट और रिवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड, मीनिंग ऐसी लैंड जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और जिसका मेन मोटिव आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, और ऐसी लैंड से अगर आप कोई रेंट या रिवेन्यू डिराइव कर रहे हो तो उस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मीनिंग अगर आप खुदाई बुनाई, मीनिंग जो आपके ये जो ट्रैक्टर वगैरह से या कल्टीवेटर से जो भी आप करते हो, जो भी आप उस एग्रीकल्चरल लैंड में प्रोसेसिंग कर रहे हो या कुछ भी खुदाई वगैरह कर रहे हो, तो वहां से अगर आपकी कोई इनकम आती है तो उस इनकम को भी आप एग्रीकल्चरल इनकम में ट्रीट करोगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, मीनिंग ऐसा प्रोडक्ट आप उस एग्रीकल्चरल लैंड से जनरेट कर रहे हो जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल फिट है, मार्केट में आप उसको सेल करके इनकम अर्न कर सकते हो, तो ऐसी इनकम को भी एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, यस जब हमने वो प्रोड्यूस करके वो मार्केट के लिए फिट बना दिया तो वो मार्केट में बेचने के लिए ही तो बनाया होगा, तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस से भी जो आप इनकम कमा रहे हो उसको भी एग्रीकल्चरल इनकम ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, फार्म हाउस से अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तब वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग, यहाँ से सैपलिंग और सीडलिंग का मीनिंग होता है जो नर्सरी से, नर्सरी में जो पेड़ पौधे होते हैं और वहां से अगर आप पेड़ पौधे खरीद कर लेके आ रहे हो तो नर्सरी वालों के लिए वो इनकम है या नहीं, किसी एक का खर्चा दूसरे के लिए इनकम होती है या नहीं होती, ये हम बहुत पहले समझ चुके हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है इतना तो हमें पता है। यस, तो ये कह रहा है कि अगर वहां से आप पेड़ पौधे खरीद कर लेके आते हो तो वहां से आपकी इनकम होगी, किनकी, आपकी नहीं उनकी, जो आपको बेच रहे हैं तो उनकी वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की, कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी होती है। ये भी लैंड से ही रही है, ये भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, बट इनकम है लैंड से जनरेट हो रही है, बट ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तो अगर ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है तो ये कौन सी इनकम होगी, या तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की होगी या फिर ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होगी, मीनिंग इनकम तो है बट ये इनकम टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? तो द फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट डिराइव फ्रॉम द लैंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, हिंस दे आर नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। द फॉलोइंग इनकम आर नॉट डिराइव फ्रॉम लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये ऐसी लैंड से डिराइव नहीं हो रही है इनकम जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लैंड यूज की जा रही थी, इसीलिए इस इनकम को नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम मार्केट्स, जो ये फेरी लगा के बेचते हैं ना प्रोडक्ट को, आलू ले लो, टमाटर ले लो 5 रुपए किलो, तो ये जो होते हैं ये होती है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। कहा गया है कि जो इनकम फ्रॉम मार्केट, मीनिंग ये अपने फेरी लगा लगा के बेच रहे हैं, ये आपके प्रोडक्ट को तभी, मीनिंग काट कर उसी टाइम पर नहीं बेच रहे हैं, जो भी कहने का मीनिंग है कि जो फार्मर बेचता है तो उसकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बट अगर जो इनकम फ्रॉम मार्केट, मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, बेसिक वो एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, फिर भी उसको एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। राइट, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरी, स्टोन क्वेरी से भी अगर आप इनकम कमा रहे हो तब भी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज,
जो एक खान वगैरह होती है खोदी जाती है, वहां से कुछ निकलता है और फिर उसको अगर बेचा जाता है तो वहां से भी इनकम अर्न की जाती है, लेकिन उसको भी आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही ट्रीट करोगे। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आपने एक लैंड थी उस पर आपने गोदाम बना दिया और आपने कह दिया कि भाई साहब जिसको भी चाहिए, अगर आपको अपने गेहूं रखवाना है या फिर एनी हाउ कुछ भी अगर आपको रखवाना है जो कि आप ये सोच रहे हो कि सुरक्षित रखा जाएगा, तो हमारे यहाँ पे गोदाम है और आप वहां पर रख सकते हो। तो आप उनके प्रोडक्ट को फ्री में नहीं रखवाओगे, आप कुछ ना कुछ चार्ज लोगे, और अगर आप चार्ज ले रहे हो तो वहां से आप इनकम कमा रहे हो। तो ये कह रहा है कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर रहे हो और वहां से अगर आप इनकम कमा रहे हो तो वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। यस, सिंचाई के लिए जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो। आपने सोचा फॉर एग्जाम्पल एक गांव था और उस गांव के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि यहाँ पर पानी की सप्लाई की कमी रहती है, तो मैंने अपने पानी की सप्लाई के लिए मैंने टैंक वगैरह बनवा दिए, ट्यूबवेल वगैरह, और मैंने क्या करा कि पानी को सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब पूरे गांव में मेरे यहाँ से ही पानी जा रहा था तो मेरी तो इनकम बहुत ज्यादा होगी, और मैंने कह भी दिया इनकम डिपार्टमेंट वालों को कि ये मेरी एग्रीकल्चरल, मैं देखो कितना भला कर रही हूँ। लेकिन उनको पता था कि आप भला नहीं कर रहे, आप इनकम कमाने के चक्कर में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ऐसा मतलब ऐसा काम कर रहे हो कि पानी की सप्लाई कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले थे उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा काम करते हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज और बैम्बूज। अगर आपका अपने आप घास उग जाता है, आपने ना तो उसमें पानी डाला है, ना आपने खुदाई करी, ना आपने बीज को डाला, बीज को फिर आपने उसको घास को बनाया, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया आपने, आप वो घास उग गई है और अगर आप उसको सेल करके आते हो तो आप पैसा कमाते हो, तो ऐसी इनकम को भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। आपने पेड़ देखे होंगे, एक कीकर का पेड़ होता है और एक बरगद का, ये पेड़ होते हैं, ये उगाते नहीं, ये अपने आप उग जाते हैं, लेकिन अगर आप इन पेड़ों को सेल करते हो तो आपकी इनकम जनरेट होती है, तो ऐसी इनकम को आप क्या मानोगे? नॉन एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, ये तो हो गए। इनकम फ्रॉम फिशरीज, यस फिशरीज से भी अगर आप इनकम कमा रहे हो तो वहां पर भी आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही ट्रीट होगी। आफ्टर दैट इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग। अब मैंने क्या सोचा, देखो मेरा जो खेत था उसके अंदर मिट्टी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस मिट्टी को, ऊपर ऊपर की मिट्टी को उतरवा दूं, और मैंने ब्रिक मेकिंग जो ईंटे बनाने का काम करता था मैंने उनको ये बोल दिया कि भाई अगर आपको चाहिए मिट्टी तो आप मेरे यहाँ आइए, मेरी एग्रीकल्चर लैंड है उसमें मिट्टी ज्यादा है, आप उस मिट्टी को निकाल लीजिए और आप अपनी ब्रिक बना लीजिए, राइट। बट मैंने क्या कहा कि उसके लिए आपको मेरे को कुछ रुपए देने पड़ेंगे। अब उन्होंने मेरे को रुपए दे दिए, अब उन्होंने मेरे को रुपए दिए तो समझ लो कि मेरी इनकम आई, बट वो इनकम जो कि मैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग के लिए वहां से जनरेट कर रही हूँ, ऐसी इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इज इट क्लियर? एक बार दोबारा से सुन लेना। नेक्स्ट है रेमुनरेशन रिसीव एज मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म, और इसका भी हमें बहुत अच्छे से पता है, रेमुनरेशन रिसीव एज अ मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर फार्म हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, इसको बहुत अच्छे से क्लियर, अगर नहीं किया तो कर लेना। कि वहां पर मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर मान लीजिए मैं मैनेजर लग जाती हूँ किसी एग्रीकल्चर लैंड पे, पूरे का पूरा मतलब मेरे को ही संभालना है, कहाँ से क्या आ रहा है, कितने वर्कर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, क्या कुछ करना है, तो वहां पे मुझे सैलरी मिलेगी और वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम होगी, इसलिए वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम ओनली डायरेक्ट इनकम को ही माना जाता है, इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानते। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर। जो कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है, अगर वो डिविडेंड देती है, मीनिंग फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मैंने कंपनी में पैसा लगा दिया, वो कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है, वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में उसको हो जाता है प्रॉफिट, अब वो मुझे देती है डिविडेंड, अगर वो मुझे डिविडेंड दे रही है तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है ये मेरी एग्रीकल्चरल इनकम से आया हुआ डिविडेंड है, जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा
वहम है तो हटा दीजिए। अगर आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हो फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर तो वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम अ बायर ऑफ अ राइप क्रॉप। यस, पकी हुई फसलें अगर मेरे को दिखाई दे गई और मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार पूछ तो लेती हूँ, अगर ये मेरे को यूं का यूं बेच दे और मैं यहाँ से कटाऊंगी, इसको कटाई करवाऊंगी और फिर इसके मतलब गेहूं निकलवाऊंगी और गेहूं निकलवा के मैं मार्केट में बेचकर प्रॉफिट अर्न करके बिना टैक्स डिपॉजिट कराए अपने घर चुपचाप लेकर घुस जाऊंगी। लेकिन भाई साहब आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, फिर दोबारा से बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो पकी पकाई फसल में जाके और कटा मीनिंग उसको खरीद लेते हो और कटाई करवा के गेहूं निकलवा कर उसमें से और उसको बेच कर आ जाते हो तो ऐसे केस में आपकी वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्मिंग एटसेट्रा। डेयरी फार्म की अगर कोई आपकी इनकम है तो या पोल्ट्री फार्मिंग की अगर आपकी कोई इनकम है तो उसको भी नॉन एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनना, बिल्कुल थोड़ा सा जरा सा ध्यान लगा लो। क्या कहता है कि ये एक इंडिविजुअल है, हमें पता है कि ये एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल ने क्या कर रखा था, मेरी लैंड को रेंट पर ले रखा था, एग्रीकल्चरल लैंड को। मैंने कहा भाई ले ले। इसने कहा था कि मैं आपको 50,000 रुपए दे दूंगा हर 6 महीने में। ओके, इसने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो ये मेरा एरियर होगा, रेंट एरियर होगा। अब क्या हुआ, इसने 2 साल के बाद ये बोला कि आज मेरे पास पैसे हैं और आप अपना रेंट ले लियो। मैंने कहा कि रेंट तो मैं ले लूंगी लेकिन उससे के साथ साथ इंटरेस्ट भी लूंगी। तो इसने कहा कि इंटरेस्ट भी ले लो। तो अब इसने क्या कहा कि इंटरेस्ट के साथ ये मुझे रेंट भी दे रहा है जो एरियर था। यहाँ पर जो आपका रेंट रिसीव होगा हमें पता है कि वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी, बट जो उस रेंट के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो उस इंटरेस्ट को आप एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट नहीं करोगे, वो आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। बस आपको ये बात याद रखनी है कि इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ एन रेंट ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड इज नोन एज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम सीमा।